यास्मीन। शाहरुख खान, कैटरीना और अनुष्का की फिल्म जीरो आज थिएटर्स पर रिलीज हो चुकी है। आनंद एल राय के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। अगर आप इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हैं तो पहले जान लें कि ये फिल्म आपके देखने के लायक है या नहीं। शुरुआत करते हैं फिल्म की कहानी से। फिल्म की शुरुआत मेरठ के दौलतमंद से होती है, जहां बौना बउआ यानी कि शाहरुख खान अपने पिता यानी कि तिग्मांशु धूलिया और पूरे जमाने से खूब नफरत करता है, क्योंकि हर कोई उसका मजाक उड़ाता है। 38 साल की उम्र में भी बउआ की शादी नहीं होती, पर उसकी ख्वाहिश होती है कि वो फिल्म एक्ट्रेस बबीता कुमारी यानी कि कैटरीना कैफ से शादी करे। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है आफिया यानी अनुष्का शर्मा से, जिसके बाद बउआ को आफिया से प्यार हो जाता है। बउआ और आफिया दोनों अपने अधूरेपन के साथ एक होने जा रहे होते हैं, लेकिन बाद में बउआ आफिया का दिल तोड़कर बबीता के पास चला जाता है, जिसके बाद कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और वो जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। बता दें कि क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि इंटरवल तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन इंटरवल के बाद सेकेंड हाफ में फिल्म घूम जाती है और ऐसा घूमती है कि पटरी पर नहीं लौट पाती। फिल्म के डायलॉग्स बेहद ही शानदार हैं, जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन ये फिल्म बहुत लंबी लगती है, कुछ हिस्से बेमतलब खींचे गए हैं। इसके साथ ही रोमांटिक और इमोशनल सीन देखकर आपको कुछ खास मजा नहीं आएगा। फिल्म की स्क्रिप्टिंग और एक्टिंग पर खास ध्यान रखने की जरूरत थी। आनंद एल राय, जो कि तनु वेड्स मनु और रांझना जैसी जबरदस्त फिल्म बना चुके हैं, वो इस बार पूरी तरह से चूक गए हैं और उनका डायरेक्शन भी कमजोर नजर आया। बात करें स्टार्स की एक्टिंग की, तो शाहरुख ने बउआ के रोल को बेहद ही शानदार निभाया है। फिल्म में कैटरीना का रोल अनुष्का जितना लंबा नहीं है, लेकिन उन्होंने जबरदस्त एक्टिंग की है। इसके अलावा अनुष्का ने भी बढ़िया काम किया है। अजय अतुल का म्यूजिक कुछ खास नहीं है, मेरा नाम तो गाने को छोड़कर कोई भी गाना ज्यादा अच्छा नहीं है। ओवरऑल क्रिटिक्स का कहना है कि अगर आप शाहरुख की फिल्म का बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो आप ये फिल्म देख सकते हैं। बता दें कि क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 3 स्टार्स दिए हैं। वैसे आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।